आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। और आज की जो क्लास है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों की है। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर आयुर्वेद से जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको एक बार फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि आपका जो चैनल है आपकी पढ़ाई के लिए ही बनाया गया है। और इस चैनल से जितने भी आपको जो भी कंफ्यूजन है अपने कोर्स के बारे में या सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में, वो डायरेक्टली आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे अगर आपकी मर्जी, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं आप इसको शेयर ही करेंगे। मेरा जो मेन जो एम है वो ये है कि आपको अच्छे से हम चीजें बता सके और आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सके। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट आपके सिलेबस से ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता है कि हाँ मेरा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो उनके लिए मैं बस आपको एक शॉर्ट में ही बता देता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो तीन ही है। आपको सेकेंड ईयर में, मतलब कि आपके फाइनल ईयर में भी आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फर्स्ट ईयर में भी आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्त। क्या है? आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्त। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है द्रव्य गुण विज्ञान एवं द्रव्य परिचय। दूसरा सब्जेक्ट आपका द्रव्य गुण विज्ञान एवं द्रव्य परिचय है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। तो चलते थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते चलता हूं। पहले सब्जेक्ट के नाम से ही आपको ये चीजें, कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें पहले बताया गया आयुर्वेद परिचय। तो सही बात है, आयुर्वेद परिचय मतलब कि इस सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले तो आयुर्वेद का इंट्रो आपको मिलेगा। आयुर्वेद है क्या, किस आयुर्वेद से किस किस तरह का इलाज होता है, पेशेंट को कैसे ठीक किया जाता है, कैसी औषधियां इसमें हैं और कैसे ये पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है, आयुर्वेद का इतिहास क्या है, पुराने समय में आयुर्वेद कैसे किस प्रचलन में था, इस समय आयुर्वेद कहाँ पे है, किस हिसाब से है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आयुर्वेद को पूरी तरह से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आयुर्वेद से। दूसरी चीज है स्वास्थ्य वृत्त। तो स्वास्थ्य वृत्त जो है वो सिंपली हमें इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, स्वस्थ रहने के लिए जो भी उपाय हैं वो कैसे करेंगे, क्या चीजें खाएंगे, क्या परहेज करेंगे, क्या एक्सरसाइज करेंगे, कैसा योग करेंगे, और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो कौन सी थेरेपी है या कौन सी मेडिसिन है, क्या चीजें हैं जो हम प्रयोग में ले करके और उससे हेल्थफुल बने रहेंगे। तो दिमाग में बस आपको यही रखना है कि जो पहला पेपर है उसमें आयुर्वेद का परिचय और स्वास्थ्य वृत्त, मतलब कि अपने हेल्थ के बारे में पूरी तरह से आपको जो भी जानकारी है इस सब्जेक्ट से आपको दी जाएगी। तो स्वस्थ कैसे रहना है, कैसे बीमारियों से बचना है, बीमारी होने के बाद से इलाज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय। तो द्रव्य गुण विज्ञान का मतलब सिंपली है, आपको इसमें दवा बनाने के लिए बताया जाएगा। द्रव्य से यहाँ पे परिचय, मैटर मैटर से है मतलब कि पदार्थ से है, और यहाँ पे आयुर्वेद में पदार्थ औषधि द्रव्य को बोला गया, मतलब जिस भी औषधि का आप दवा बनाएंगे वो द्रव्य ही कहा जाएगा आयुर्वेद में, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। तो आयुर्वेद में जितने भी वनस्पतिक पौधे हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, उसमें जो आयुर्वेद वाली जो औषधियां, जो औषधीय जो पौधे हैं, जिसमें से कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनके पत्ते दवा के लिए यूज किए जाते हैं, दवा के रूप में पत्तों का यूज होता है। दूसरी चीज अगर फूल है तो फूल का भी दवा के रूप में यूज होता है, छाल है, जड़ है, तना है, तो फल है, ये सारी चीजें दवा के तौर पे यूज होते थे। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका बस कुछ पार्ट ही यूज किया जाता है, तो सारे जो भी दवा के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्य। तो द्रव्य गुण विज्ञान मतलब कि जब द्रव्य गुण विज्ञान जब आपको पढ़ाया जाएगा तो जो द्रव्य आप यूज कर रहे हैं दवा बनाने के लिए उसका गुण क्या है, वो पेशेंट को किस पेशेंट को देना है, वो कैसे शरीर में अपना असर दिखाएगा या काम कैसे करेगा, वो द्रव्य गुण विज्ञान में आपको बताया जाएगा। द्रव्य परिचय मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दिए अर्जुन, तो अर्जुन क्या है, एक हो गया द्रव्य, और अर्जुन की छाल अगर हम लेकर के आए और बताए कि अर्जुन की छाल से हम ये चूर्ण बनाएंगे या हमारे शरीर में इस काम में आएगा, तो वो
द्रव्य परिचय हो जाएगा। तो मतलब हमने सिंपली बता दिया अर्जुन, और अर्जुन द्रव्य है और उसका परिचय यह है कि इस बीमारी में यह काम करेगा, तो द्रव्य परिचय में वो आएगा। चाहे अशोक हो गया, जैसे अशोकारिष्ट आप सुने होंगे या त्रिफला सुने होंगे, तो त्रिफला या अशोकारिष्ट जो है, तो अशोकारिष्ट में अशोक के पौधे से जो भी द्रव्य मिलते हैं उनसे हमें अशोकारिष्ट बनता है। और त्रिफला में, जैसे त्रिफला अगर बताया गया तो ये तो आपका औषधि हो गया, त्रिफला क्या हो गया औषधि। लेकिन अगर द्रव्य बोलेंगे तो त्रिफला में जो तीन औषधियां प्रयोग में आई हैं वो द्रव्य में आएंगे। तो त्रिफला में जैसे आपका हो गया आंवला हो गया, हरड़ हो गया, बहेड़ा हो गया, तो इन सबको जोड़ करके मिला करके सामान्य अनुपात में इसको त्रिफला तैयार किया जाता है। तो त्रिफला में जो औषधि द्रव्य यूज किया गया वो द्रव्य परिचय में उसका आएगा कि हाँ ये द्रव्य है और इसको ऐसे दबाव में। तो सेकंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही ये सारी चीजें पढ़नी है। तीसरा जो है आपका शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। शरीर रचना से डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारा शरीर बना कैसे, इसमें कितनी मांसपेशियां हैं, हड्डियां क्या हैं, शरीर किस बेस पे काम करता है, कैसे शरीर की क्रियाएं चलती हैं, कोशिका, ऊतक, हार्ट, लीवर, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, सारी चीजें शरीर रचना में हम पढ़ेंगे। एवं क्रिया विज्ञान दिया, तो शरीर का काम कैसे चलता है वो आपको इस लास्ट सब्जेक्ट में बताया जाएगा। शरीर रचना क्रिया विज्ञान में आपको पूरी बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें, बॉडी में क्या बीमारियां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये तीसरे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। तो आप अपने आज से आपकी भी क्लासेस स्टार्ट है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं सब चीजें लेकर के चलूंगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्त चलेगा। स्वस्थ वृत्त में, आयुर्वेद परिचय में तो सिंपली कुछ क्लासेस मैं लेने के बाद से आपका डायरेक्टली स्वस्थ वृत्त ही पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कल एक स्टूडेंट का फोन आया कि नहीं सर हम लोग का क्लास क्यों नहीं चल रहा है, तो मैंने कोशिश ये किया कि सबका क्लास एक एक करके जो भी मेरे सब्जेक्ट है वो खत्म करता रहूं, लेके चलता, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे है ही, मतलब कि आज पढ़ाए या कल पढ़ाए पढ़ाना तो है। तो आप लोग फोन करते हो, कहते हो कि सर पढ़ाइए, तो अच्छा लगता है कि नहीं आप पढ़ना चाहते हो, तो मुझे भी थोड़ा सा पावर मिलता है कि नहीं हाँ पढ़ा, जब स्टूडेंट कह रहे हैं तो पढ़ाना है। तो देखिए आपने कल फोन किया, मैंने आज वीडियो बनाया आपके लिए। तो ये आपका इंट्रो टाइप का है सब्जेक्ट, और इसका आप एक कॉपी बनाइए, एक ही कॉपी बनाइए जिसमें आपका ये सारी चीजें चले और टॉपिक बाय टॉपिक उस चीजों को आप नोट करते जाइएगा। तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए, आप चाहें तो फाइनल ईयर वाले भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन के तौर पे आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं और एक अलग से नोट बनाइए और उसमें आप फाइनल ईयर वाले भी आप लिखिए, ताकि ये होगा कि नहीं आपने क्लास फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से अटेंड नहीं किया, तो इस समय टाइमिंग है, सब लोग खाली बैठे हुए हैं घर पे, तो सिंपली आप इस लेक्चर वीडियो को देख करके अपना जो टॉपिक आपने नहीं तैयार किया था वो आप तैयार कर सकते हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।